बुलबुल के रिश्ते के लिए कोई उपाय बताने वाले थे, इसलिए मैं आई हूँ। बताइए ना बाबा जी, आपको इस आश्रम के इर्द गिर्द एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुसीबत में होगा और उसने पीतक बुशर्ट और काली पैंट पहनी होगी, वही होगा आपका होने वाला समधी। मुझे जरा बाथरूम जाना है, तुम जरा यही ठहरो और बाबा को एक फल देते रहना। कौन सा फल खाएगा? अमरूद। बाबा जी मैं तो बाथरूम करने गया था, और नीचे तो आपका वो नए वाला लड़का है ना, लगता है लड़का फल खाने आया था, वो सारे फल खा के चला गया। काली पैंट और पीली शर्ट वाला आदमी और मुसीबत में भी लग रहा है। अरे मुसीबत में काहे नहीं होगा, हाथ पे चक्कू जो पकड़ा है। आपके घर में कोई कुवारा लड़का है? मेरे ख्याल से होना चाहिए। अगर आप ठीक समझे तो लड़के और लड़की को मिलवाने का प्रबंध कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि लड़का लड़की की पहली मुलाकात उनके अपने घर में ना हो बल्कि दूसरे के घर में हो। अगर आप ठीक समझे तो लड़के लड़की की मुलाकात हमारे घर मतलब चिड़ियाघर में करवाई जा सकती है। इनके घर में बहुत अपशगुन है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम स्वयं आएंगे उस घर का अपशगुन दूर करने के लिए। बाबा जी अगर वहाँ पर ये शकुन अपशकुन का चक्कर चलाएंगे तो मैं कम से कम वहाँ नहीं मिलूंगा। हाँ माफ कीजिएगा, ये मेरे भैया है ना, वो थोड़े से उसका दोष नहीं है, ये उसके घर में जो अपशकुन फैला है उसका दोष है। जैसे ही हम उस घर में जाएंगे उस घर का अपशकुन दूर हो जाएगा। बोलो ₹2000 ये विदाउट टिकट के, ये ₹1000 ट्रेन में स्मोकिंग के लिए हैं, और ये ₹1500 हैं। ये ₹1500 किस चीज़ के हैं? कौन से खाते में जाने हैं ₹1500? क्या करूँ, आज हिसाब देना भी ज़रूरी है। क्या करूँ? हाँ, चप्पल वाले बाबा की चप्पल याद दिलाएगी। बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। ये क्या कर रहे हैं आप? दिन दहाड़े अपने सर पे चप्पल मार रहे हैं, क्या बदतमीजी है? याद आ गया गुप्ता जी, याद आ गया, बदतमीजी से याद आ गया। ये ₹1500 उनके हैं जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी। हाँ अरे घोटक बाबू, मिर्गी की बीमारी में चप्पल सुहाने की बात तो सुनी थी, लेकिन ये सर पे चप्पल मारने से कौन सी बीमारी दूर होती है? अरे गुप्ता जी, इस चप्पल से ना सारी बीमारियां और सारी परेशानियों का हल निकलता है। ये चप्पल हावड़ा से कम नहीं है, क्योंकि ये चप्पल जिसके सर पर भी पड़ती है ना उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। बोला चप्पल वाले बाबा की जय। घोटक बाबू, मैं अपने इस गंजे सर से बहुत ही परेशान हूँ, दो चार चप्पल मेरे सर पे मार दीजिए ना, शायद दो चार बाल मेरे सर पर आ जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं अभी लो। हाँ लेकिन पहले बोलिए चप्पल वाले बाबा की जय। घोटा सर, वो मैं वो चप्पल। शट अप, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम गुप्ता जी के सर पे चप्पल कैसे मार सकते हैं? सर वो यू आल्सो शट अप। ये परोपकार का काम हम अपने हाथों से खुद करेंगे, क्योंकि हम भी चप्पल वाले बाबा के भक्त हैं। चप्पल बाबा बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। आइए सर साथ मिलके परोपकार करते हैं। क्यों नहीं, आइए रुक करके आइए। बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। अरे जय बोलिए ना। हाँ जय। अरे भैया ये बैग किसका है? चलो देखते हैं किसका होगा। भाई दे देंगे,
काम की चीज होगी तो ठीक है, नहीं उसके काम की होगी तो उसे वापस कर देंगे। अरे अरे कोई पुलिस को फोन करो भाई। मैं करता हूँ। सोनम बस सोनम। हेलो पुलिस स्टेशन सर, मैं ये गोविंद नगर मार्केट से बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक बैग में एक बॉम्ब मिला है। डॉट डॉट। क्या आधा घंटा लगेगा? डॉट डॉट। सर आधा घंटे में तो ठीक है सर, आप कोशिश कीजिए जल्दी आने की। डॉट डॉट। क्या क्या बोली पुलिस? अरे पुलिस कह रही है बॉम्ब डिफ्यूज करने वालों को यहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगेगा। आप लोग पीछे जाइए। अरे भैया आधा घंटा? अरे भैया हमने तो सुना है कि कुछ टाइम बम इतने खतरनाक होते हैं कि अगर फट जाएं तो हजारों लाखों लोग मरते हैं, बस्तियां की बस्तियां खत्म। अब क्या करें, ऐसे में तो बहुत से लोगों की जान जा सकती है। कुछ करो भाई साहब। अब पुलिस को फोन किया है ना? अरे क्या जमाना आ गया, जमाना बहुत बुरा आ गया। बोले चप्पल वाले बाबा की। मेरा प्यार 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 चप्पल चार, क्या हुआ वत्स? बाबा जी आगे रास्ता बंद है, रास्ते में बम है, कभी भी फट सकता है। बाबा इसमें हंसने की क्या बात है? चिंता मत करो वत्स, हम इस बम को नहीं फटने देंगे। भाइयों एवं बहनों, बाबा जो है बम को फटने नहीं देंगे। चप्पल वाले बाबा की। मेरा प्यार 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 चप्पल चार। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? बाबा बम है, फट गया तो सब मर जाएंगे, बाबा मोहल्ला उड़ जाएगा। बाबा चिंता मत करो वत्स, कुछ नहीं होगा। चप्पल बाबा मेरा प्यार 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 चप्पल चार। मेरा प्यार 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 चप्पल चार। ये बॉम्ब और ये बैग दोनों साथ में ले लेना, ना पुलिस के हाथ लग गए ना तो पता चल जाएगा कि बॉम्ब और बैग दोनों नकली है और ये हमने ही लगवाया था। जी बाबा। अब बाबा अब इस बॉम्ब को अपने हाथों से गंगा मैया में विसर्जित करेंगे। आप सब भक्तों को मेरा निवेदन है, आप आश्रम आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। बॉस जल्दी कीजिए, नागिन के घर भी जाना है। भक्तों अभी हम चलेंगे। बोले चप्पल वाले बाबा की जय। चप्पल वाले बाबा की जय। बोले चप्पल वाले बाबा की जय। बोले चप्पल वाले बाबा की जय। बोले चप्पल वाले बाबा की जय। चप्पल वाले बाबा की जय। आज तक सुना ही था, आज देख भी लिया। चप्पल वाले बाबा का चमत्कार। डॉट डॉट। चप्पल वाले बाबा की जय। मैं कितने लकी हूँ, हाँ चप्पल वाले बाबा हमारे ही घर आने वाले हैं। डॉट डॉट। चप्पल वाले बाबा की जय।
चप्पल वाले बाबा की, चप्पल वाले बाबा की। जल्दी जल्दी करो बाबा जी, आ जाएंगे ना। भैया तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सिंह। बुआ जी, जब गधा भैया गायब है तो साथ में सिंह भी गायब होंगे ना। बताए मुझे दादा, बात मत कर। अरे जल्दी जल्दी करो, उनके आने का वक्त हो गया। हाँ। स्वागत करने के लिए बाहर नहीं जाना है क्या? चलो चले चले। बोलो चप्पल वाले बाबा की, 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 चप्पल वाले बाबा की, चप्पल बाबा की। मेरा प्यार 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 चप्पल चार। बाबा अब 15 मिनट पहले आ गए। अरे हम स्वागत के लिए बाहर आ ही रहे थे। तुम्हें पैर छूने की कोई जरूरत नहीं बाबा जी, वो असली की नागिन नहीं है, सिर्फ नाम की नागिन है। दस्ती नहीं है, पैर छूने दीजिए। कैसे हो पुत्र घोटक? बाबा आपने बिल्कुल सही कहा था, अब मैं टिकट चेक नहीं कर पाऊंगा। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? एक्चुअली बाबा वो टेंशन इज टाइट, कुत्ते ने ली भैया की हाथ की बाइट। हाँ बाबा, आपने कहा था ना काले कुत्ते की पूंछ पकड़ के उसे 2 रोटी खिलानी है, तो कुत्ता रोटी भी खा गया और मेरा हाथ भी। जरूर काले कुत्ते की पूंछ पकड़ते वक्त तुम्हें सफेद कुत्ते का ख्याल आया होगा। हाँ बाबा, कोई नई बात नहीं है, मैंने सफेद कुत्ते के बारे में ना सोचने की बहुत कोशिश की बाबा, लेकिन यही सोचने में कि सफेद कुत्ते के बारे में नहीं सोचना है, मुझे बार बार उसी के ख्याल आ रहे थे। कोई बात नहीं, इस बार सफेद कुत्ते की पूंछ पकड़ना। हा? पर ध्यान रहे, दिमाग में काले कुत्ते का ख्याल जरा भी ना आए। चप्पल वाले बाबा, चप्पल वाले बाबा की। बोजी, आपको पता है क्या? आज सुबह चप्पल वाले बाबा ने मार्केट में टाइम बॉम्ब को अपनी चप्पल मार के ऐसे डिफ्यूज किया जैसे दिवाली पे स्टिकली फोड़ते। तू क्या मुझे बता रहा है? मुझे पता है, तभी तो देश विदेश के आतंकवादी बाबा के पीछे पड़े। हाँ, क्योंकि बाबा अपनी चप्पल मार के ना बॉम्ब को डिफ्यूज करते। बुआ जी, इसका मतलब बाबा जी के पीछे जो काले कपड़े में खड़े वो आतंकवादी हैं? ये क्या बोल रहा है तू? चुप कर, आतंकवादी का नाम भी मत लेना। बाबा जी अब आ क्यों खड़े, आइए ना अंदर आइए। बैठिए बैठिए। चप्पल वाले बाबा की, चप्पल वाले बाबा की, चप्पल वाले बाबा की। सब धन्य हो गए आपके आगमन से। बोला चप्पल वाले बाबा की। अरे बच्चा, तू वहाँ क्यों खड़ा है? इधर आ, हमारी चप्पल खा ले तो तेरा भी उद्धार हो जाएगा। क्या करे तू? मीना की क्या किया तूने? मैं घर आए मेहमान के साथ इस तरह से पेश आते हैं क्या? भैया हमसे ना बाबूजी ने कहा था, जब कोई मेहमान घर पर आए तो पहले खुद ना खाकर उन्हें खिलाना चाहिए, तो हमने खिला दी चप्पल। हरिओम हरिओम। सॉरी बाबा, सॉरी। बस बस बहुत हो गया,
इसमें इसका कोई दोष नहीं है, दोष इस घर में फैले अपशगुन का है। बाबा मैंने आपसे कहा था ना कि इस घर में बहुत अपशगुन है, काहे नहीं होगा? अरे आप कभी इस घर से अपशगुन निकालने के लिए आए ही नहीं ना। शांत शांत बिल्लो जी शांत। अब हम इस घर का अपशकुन दूर करने के लिए चप्पल ये नृत्य योग करेंगे। देखिए वो नृत्य करने से कैसे इस घर का अपशकुन दूर हो जाता है। अब हम इस घर का अपशकुन दूर करने के लिए चप्पल ये नृत्य योग करेंगे। देखिए वो नृत्य करने से कैसे इस घर का अपशकुन दूर हो जाता है। बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। चप्पल बाबा म्यूजिक ओके। बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। बाबा जी बुला रहे हैं ना। अरे इस घर का अपशगुन दूर करना है कि नहीं, क्या मदद करूंगी? मयूरी भी जाए? नहीं मयूरी फुल स्टॉप, बाबा की आज्ञा के बिना बिल्कुल नहीं। बाबा ये मेरे भैया है केसरी नारायण जी। बिल्लो जी लेडीज फर्स्ट, पहले कन्याओं से तो मिलाइए। अब तुम साइड में हो जाओ, तुम यहाँ आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे तो बाबा बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अरे समझो मेरी बात को, मैं बोल रही हूँ कि बाबा की नजर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.